तो चलिए मोबाइल एक्सेल में हम काम करना शुरू करते हैं। और हमने एक फाइल बनाया हुआ है और इसी फाइल में हम एक नया सीट लिए हुए हैं, या नया सीट आप ले सकते हैं। हमने डबल क्लिक करके सीट का नेम चेंज कर दिया और नाम हमने रख दिया यहाँ पे समरी। हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो हमने इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा मर्ज करते हैं, ज़्यादा हो गया, गॉट इट। और यहाँ पे हमारे सामने इसका पूरा ये आता है कि इसमें क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर। हमने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब इस पे जो है हम यहाँ पे इसको बैक करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और इस पे आते हैं, इसके ऊपर डालते ही हमारा ये आ जाएगा। एफएक्स के सामने जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेली सेल्स रिपोर्ट। इसको हमको थोड़ा सा साइज, टेक्स्ट साइज बड़ा करना है, तो वापस इसको क्लिक करते हैं और हम इसको नीचे की तरफ करते हैं। ये आपका फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का साइज मैं लीजिए मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। और बढ़ाना है तो इसको यहाँ से मैं 28 कर दिया, उसके बाद अंडरलाइन कर दिया और बोल्ड भी कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकेशन, तो यहाँ कीबोर्ड नहीं है तो इसको हम यहाँ पे आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, कीबोर्ड आ गया। और यहाँ पे देते हैं लोकेशन, लोकेशन में फिर हम इसको दो को सेलेक्ट करेंगे और वापस हम बॉर्डर में आएंगे। और बॉर्डर में हम यहाँ बॉटम बॉर्डर जो है हमारा, बॉटम बॉर्डर ले लेंगे। और यहाँ पे हम देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे टाइम लिखते हैं टाइम, और फिर वापस हम जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं डबल बॉर्डर को। और यहाँ भी इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे बॉर्डर एंड बॉटम बॉर्डर हम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम देते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, और यहाँ पे नेम। तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। अब वॉइस कमांड भी दे सकते हैं यहाँ पे, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर आ गया, ऐसा बोल के टाइप भी कर सकते हैं। डीआर, सीआर, डीआर दे दिया हमने, यहाँ पे सीआर और यहाँ पे बैलेंस, बैलेंस। अब हम इसको यहाँ पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे आता है, नीचे हम 25 से नीचे, हाँ हम सेलेक्ट करते हैं 25 20 तक। इसका हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, बॉर्डर लेते हैं और ऑल बॉर्डर हम कर देते हैं। नीचे वाले को सेलेक्ट करते हैं और नीचे वाले का बॉर्डर कुछ और रखते हैं। यहाँ पे नीचे वाले का बॉर्डर जो है हम यहाँ पे ए वाली रख देते हैं, डबल वाली। यहाँ पे टोटल हो जाएगा, टोटल। यहाँ हम सम करना चाहते हैं तो यहाँ हम इक्वल से, जैसे एक्सेल में भी इक्वल से शुरू करते हैं ना, ऐसे इक्वल लिखिएगा। और अब यहाँ पे जैसे सम लिखिएगा तो सम का यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने दिख गया। हमने इसको क्लिक कर दिया, सम आ गया और नंबर में हमने इसको डायरेक्टली को पूरा को सेलेक्ट कर दिया। D9 से पूरा ऊपर की तरफ इस तरह से हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, आ गया यहाँ पे आ गया टोटल। और इसी को हम, अब इसको ड्रैग करने का ऑप्शन है इसमें नहीं, ड्रैग करने का ऑप्शन नहीं है तो ये, लेकिन यहाँ फिल का ऑप्शन है, फिल हमने फिल, एक मिनट, फिल पे क्लिक किए, इसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग हो गया। तो फिल पे क्लिक करके इसको ड्रैग कीजिएगा, ड्रैग हो जाएगा, जैसे माउस पॉइंटर में होता है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ चेक्ड वाई,
यहाँ दे देता हूँ मैं, इन दोनों के इसके यहाँ पे सेलेक्ट किया और वापस बॉर्डर में गया। यहाँ पे हम बॉर्डर पे, ये हमारा फॉर्मेटिंग तैयार हो गया जी, ये हमारा फॉर्मेटिंग। अब यहाँ ये आपके सामने मेनू बार है, देख लेना है, जैसे एक्सेल मेनू बार होता है इसी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका होम, ड्रॉ, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, ये आपको इंसर्ट सब दिख रहा है। तो ड्रॉ में जाओगे तो ड्रॉ के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें डेटा मेनू में जाएंगे तो डेटा मेनू के आ जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे तो रिव्यू के आ जाएंगे, और यहाँ व्यू में जाएंगे तो व्यू आएगा। जैसे व्यू में मैं ग्रिड लाइन नहीं चाहता हूँ तो ग्रिड लाइन हटा दिया, ये हो गया आपका। अब मेरा हमारा फाइल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे मेरी कई फाइल अब कंप्लीट हो चुकी है। वापस होम पे आते हैं, यहाँ पे अब यहाँ से शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, शेयर अटैचमेंट, और यहाँ पे वर्कबुक, और आपको किसके थ्रू शेयर करना है, जीमेल के थ्रू शेयर करना है। और हमने यहाँ पे अपना जीमेल में डाल दिया kumar@iptindia.com, सेंड कर दिया, ये फाइल बन भी गई और सेंड भी हो गई। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहे और इसकी कंप्लीट सीरीज और एक्सेल की कंप्लीट सीरीज के लिए आप जो है एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग को सर्च करें कहाँ, प्ले स्टोर में, और इस ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप में सारे के सारे वीडियोज़ का सिक्वेंस पड़ा है। थैंक यू।